हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल टॉपर्स ओनली। तो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम जो लास्ट वीडियो में अवार्ड्स एंड ऑनर्स बच गए थे वो ख़त्म कर लेंगे। इससे पहले कि हम आगे बढ़े, मैं बता दूं कि जो बच्चे ACIO के साथ साथ CGL या फिर CPO टीयर 2 की भी तैयारी कर रहे हैं तो उसके रिलेटेड वीडियोज़ भी हम ऑलरेडी टॉपर्स ओनली चैनल पर डाल चुके हैं, तो आप उनको भी देख लीजिए। जो लोग उसकी तैयारी कर रहे हैं वो काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगे उनके लिए। तो चलिए अब अवार्ड्स एंड ऑनर्स कंप्लीट कर लेते हैं आज। तो देखिए, 2017 में एक और इम्पॉर्टेंट चैम्पियनशिप हुई थी पैरा एथलेटिक्स की, लंदन में हुई थी ये वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैम्पियनशिप 2017। तो इसमें हमारे इंडियंस को काफ़ी अवार्ड्स मिले हैं। तो इसमें शरद कुमार जो है उनको सिल्वर मेडल मिला है और वरुण सिंह भाटी को जो है वो ब्रॉन्ज मेडल मिला है हाई जंप में। सुंदर गुजर को मिला है गोल्ड मेडल, एक इकलौता गोल्ड मेडल मिला है हमें इस इवेंट में, तो वो मिला है सुंदर गुजर को। वो जेवलिन थ्रो में मिला है उन्हें। इसके अलावा अमित कुमार सरोहा को मिला है सिल्वर मेडल इन मैंस क्लब थ्रो और करम ज्योति को मिला है ब्रॉन्ज इन वुमेन्स डिस्कस थ्रो। आगे चलते हैं, एक और इम्पॉर्टेंट चैम्पियनशिप हुई है 2017 में, एशियन एथलेटिक्स चैम्पियनशिप 2017, जिसमें इंडिया जो है उसने वो टॉप पे रहा है मेडल्स में। टोटल मेडल्स जो मिले हैं सारी कंट्रीज़ में से, उसमें इंडिया जो है टॉप पे रहा है और चाइना जो है सेकंड नंबर पे रहा है। और इसी चैम्पियनशिप में इंडिया को जो है वो 12 गोल्ड मेडल मिले हैं। तो ज़रा देख लेते हैं किस किस को मिला है गोल्ड मेडल। स्वप्ना बर्मन को मिला है गोल्ड मेडल फॉर वुमेन्स हेप्टाथलॉन। नीरज चोपड़ा को मिला है जेवलिन थ्रो में। मनप्रीत कौर को मिला है शॉटपुट में। और वुमेन्स रिले टीम को मिला है गोल्ड मेडल। और निर्मला श्योरन, गोविंद लक्ष्मण, मोहम्मद अनस, पीयू चित्रा एंड अजय कुमार सरोज जो है इनको भी गोल्ड मेडल मिला है सबको। और इनको रेस में मिला है गोल्ड मेडल इन सबको, तो ये आप ध्यान में रखें। उसके अलावा 2017 में एक और बहुत ही अच्छी अचीवमेंट हुई है, वो ये फेंसिंग में हुई है। टर्नोय सैटेलाइट फेंसिंग चैम्पियनशिप जो होती है, जो कि आइसलैंड में होती है, तो उसमें भवानी देवी को जो है गोल्ड मेडल मिला है। और भवानी देवी जो है वो फर्स्ट इंडियन बन गई हैं जिसने गोल्ड मेडल जीता हो इंटरनेशनल फेंसिंग इवेंट में। तो ये इसलिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ये इस तरीके से भी पूछा जा सकता है कि टर्नोय सैटेलाइट चैम्पियनशिप जो होती है वो किस स्पोर्ट्स में होती है, तो वो फेंसिंग में होती है। क्यों पूछा जा सकता है? क्योंकि इसी बार हमारी इंडियन को इसमें गोल्ड मेडल मिला है, तो इसलिए इसके बारे में पूछा जा सकता है। ये भी पूछा जा सकता है कि ये कहाँ होती है, तो ये आइसलैंड में होती है। तो ये इस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। इसके अलावा आइवरी कोस्ट इंटरनेशनल टूर्नामेंट जो आइवरी कोस्ट में हुआ है वो उसमें भी इंडियन जीती हैं। रितिका ठाकर एंड सिमरन सिंघी जो हैं वो वुमेन डबल टाइटल विनर हैं। उन्हें गोल्ड मेडल मिला है, गोल्ड मिला है वुमेन सिंगल के लिए भी। रितिका ठाकर को गोल्ड मेडल मिला है वुमेन सिंगल्स के लिए और सिमरन सिंघी को मिला है सिल्वर मेडल वुमेन सिंगल्स के लिए। तो देखिए, दोनों ने मिक वुमेन्स डबल भी जीता है और दोनों जो है वो गोल्ड और सिल्वर भी जीता है उन्होंने। तो इसलिए ये बहुत इम्पोर्टेंट बन जाता है ये जानना कि ये जो टूर्नामेंट है वो बैडमिंटन का है। तो क्वेश्चन क्या आ सकता है कि आइवरी कोस्ट इंटरनेशनल टूर्नामेंट जो होता है वो किस चीज़ का है, कौन से स्पोर्ट्स को लेके है? तो वो बैडमिंटन को लेके है। आइवरी कोस्ट इंटरनेशनल टूर्नामेंट जो है वो बैडमिंटन को लेके है, तो ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। इसके अलावा फ्रेंच ओपन टूर्नामेंट जो 2017 में हुआ था पेरिस में, जो कि फ्रांस में है, उसमें भी रोहन बोपन्ना जो इंडियन है वो मिक्स डबल टाइटल विनर रहे हैं। वो उन्होंने किसके साथ टीम किया हुआ था, उन्होंने कैनेडियन गैब्रियल डेब्रोवोस्की के साथ टीम अप किया हुआ था और वो जीते हैं। 2016 में
लिएंडर पेस जीते थे मिक्स डबल्स मार्टिना हिंगिस के साथ, जो मैं पहले बता चुकी हूँ आपको, और अब इसमें रोहन बोपाना जीते हैं मिक्स डबल्स कैनेडियन गैब्रिली डेब्रोवोस्की के साथ। इसके अलावा कुछ अवार्ड्स हैं जो इंडियंस को मिले हैं 2017 में जो जानने ज़रूरी हैं। वुड्रो विल्सन अवार्ड मिला है चंदा कोचर को, जो कि MD और CEO है ICICI बैंक की। तो थोड़ा सा वुड्रो विल्सन अवार्ड के बारे में जान लेते हैं। तो देखिए, वुड्रो विल्सन कौन थे? वुड्रो विल्सन जो थे वो 28th US प्रेसिडेंट रहे हैं, तो उनकी शान में ये अवार्ड दिया जाता है। कौन देता है इसको? इट इज़ प्रेजेंटेड बाय वुड्रो विल्सन इंटरनेशनल सेंटर फॉर स्कॉलर्स। तो जो इंटरनेशनल सेंटर फॉर स्कॉलर्स है वो इस अवार्ड को देता है, और वो कौन से इंस्टीट्यूशन का पार्ट है? वो स्मिथसोनियन इंस्टीट्यूशन जो है US का, उसका पार्ट है। क्यों बता रही हूँ? क्योंकि ये अवार्ड मिला है तो इस अवार्ड के बारे में कुछ ना कुछ ज़रूर पूछा जा सकता है। तो ये जानने जो ये थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन जो है वो आपके लिए ज़रूरी है। और चंदा कोचर को जो ये अवार्ड मिला है ये किस फील्ड में मिला है? इनको मिला है फॉर ग्लोबल कॉरपोरेट सिटीजनशिप, फॉर ग्लोबल कॉरपोरेट सिटीजनशिप के लिए इनको ये मिला है, और वॉशिंगटन DC में इनको ये मिला है। इसके अलावा पब्लिक सर्विस में भी एक इंडियन को मिल चुका है ये अवार्ड, ये मैं पहले वीडियो में भी आपको बता चुकी हूँ। तो APJ अब्दुल कलाम को पब्लिक सर्विस फील्ड में वुड्रो विल्सन अवार्ड ऑलरेडी मिल चुका है। तो दो इंडियंस हैं जिनको ये अवार्ड मिल चुका है अब तक, एक जो 2017 में अभी मिला और एक जो APJ अब्दुल कलाम को मिला। उसके अलावा जो दूसरा इम्पॉर्टेंट जो अभी मिला है वो है गोल्डमैन एनवायरमेंटल प्राइज, जिसको ग्रीन नोबेल प्राइज से कंपेयर नोबेल प्राइज भी कहते हैं, इतना जो है इसका वो है। तो ये मिला है प्रफुल्ला समंतारा को, और क्यों मिला है? क्योंकि इन्होंने जो है लीड किया है पीपल्स रेजिस्टेंस अगेंस्ट वेदांता प्लान टू माइन बॉक्साइट फ्रॉम नियामगिरी हिल्स इन उड़ीसा। तो देखिए, इसमें कई सारे क्वेश्चन बनते हैं। एक तो यही पूछा जा सकता है कि गोल्डमैन एनवायरमेंटल प्राइज 2017 किसको मिला? तो प्रफुल्ला समनात्रा को मिला। इसके अलावा ये भी पूछा जा सकता है कि किस लिए मिला? तो माइन जो प्लान है माइनिंग का, उसको अगेंस्ट खड़े होने के लिए मिला, ये भी क्या। बट देखिए, इसमें एक और चीज़ आती है कि इसमें नियामगिरी हिल्स की बात हो रही है जहाँ से बॉक्साइट को माइन करने की बात हो रही है। तो ये भी पूछा जा सकता है कि नियामगिरी हिल्स कहाँ पे हैं? तो नियामगिरी हिल्स जो है उड़ीसा में है। तो इस तरह से घुमा के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब ये थोड़ी सी मैं गोल्डमैन एनवायरमेंटल प्राइज़ के बारे में बात कर लेती हूँ। ये सबसे पहली बार 1990 में दिया गया था, 1990 में। और इसके फाउंडर कौन है? इसके फाउंडर जो हैं वो है रिचर्ड एन गोल्डमैन इसके फाउंडर हैं, जो कि सैन फ्रांसिस्को USA में रहते हैं, और वो खुद भी एक सिविक लीडर रह चुके हैं। तो उन्होंने ये प्राइज़ जो है वो शुरुआत की थी। तो देखिए, इस तरह से क्वेश्चन घुमा फिरा के पूछे जा सकते हैं, तो आप इसका ध्यान रखें। उसके बाद थोड़ी सी नोबेल प्राइज़ की बात कर लेते हैं। 1901 से शुरू हुआ था नोबेल प्राइज़, और नोबेल प्राइज़ जो था वो किसके नाम पे रखा गया? सबको पता ही होगा आपको, स्वीडिश इन्वेंटर थे, स्वीडन के जो इन्वेंटर थे अल्फ्रेड नोबेल, उनके नाम पे नोबेल प्राइज़ जो है वो दिया जाता है। उन्होंने क्या डिस्कवरी की थी? उन्होंने डायनामाइट की डिस्कवरी की थी। तो नोबेल प्राइज़ जो है 1901 से शुरू हुआ। तो देखिए, इसमें कई तरह के नोबेल प्राइज़ दिए जाते हैं, फिज़िक्स में, केमिस्ट्री में, इकोनॉमिक्स में, फिजियोलॉजी या मेडिसिन में, और पीस में। तो ये जो नोबेल प्राइज़ है ये अलग अलग लोग डिसाइड करते हैं। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि जो फिज़िक्स, केमिस्ट्री एंड इकोनॉमिक्स के नोबेल प्राइज़ है वो डिसाइड करती है रॉयल स्वीडिश अकेडमी ऑफ साइंसेज। तो ध्यान रखिए इसका, फिज़िक्स, केमिस्ट्री एंड इकोनॉमिक्स से रिलेटेड जो अवार्ड्स हैं, नोबेल प्राइज़ हैं, वो रॉयल स्वीडिश अकेडमी ऑफ साइंसेज डिसाइड करती है। फिजियोलॉजी या मेडिसिन से रिलेटेड जो अवार्ड है नोबेल प्राइज़, वो करोलिंस्का इंस्टीट्यूट अवार्ड्स जो है, करोलिंस्का इंस्टीट्यूट जो है वो डिसाइड करता है। और जो नॉर्वेन नोबेल कमेटी है वो डिसाइड करती है कि पीस का प्राइस किसे मिलेगा। पीस का जो है नोबेल प्राइस जो है वो जुआन मैनरूल सेंटोस को मिला है, जुआन मैनरूल सेंटोस, और वो प्रेसिडेंट है कोलंबिया के। तो देखिए, क्योंकि प्रेसिडेंट ऑफ कोलंबिया जो हैं जुआन मैनरूल सेंटोस, उन्हें नोबेल प्राइज़ मिला है पीस का, तो इसलिए ये पूछा जा सकता है कि
प्रेसिडेंट ऑफ कोलंबिया कौन है इस वक्त? क्यों पूछा जा सकता है? क्योंकि उन्हें नोबेल प्राइज मिला है, तो वो काफी न्यूज में है, तो इसलिए पूछा जा सकता है। तो इसका बात का आप ध्यान रखिए। लिटरेचर के लिए जो है नोबेल प्राइज मिला है बॉब डायलन को। जो ये सेरेमनी होती है वो कहाँ होती है? वो स्टॉकहोम स्वीडन में होती है। तो प्राइज सेरेमनी जो होती है वो स्टॉकहोम स्वीडन में होती है। उसके बाद आ जाते हैं रमन मगसेसे अवार्ड पे, जो कि 1958 से इसकी शुरुआत हुई थी। तो 1958 से इसकी शुरुआत हुई थी और ये फिलीपींस कंट्री में इस्टेब्लिश हुआ था ये अवार्ड। और ये वहाँ के जो फॉर्मर सेवेंथ प्रेसिडेंट थे, जिनका नाम भी उन्हीं के नाम पे है, ये रमन मगसेसे नाम था उनका, उनको परपेचुएट करने के लिए ये अवार्ड की शुरुआत हुई फिलीपींस में। तो ये अवार्ड जो है काफ़ी सारे इंडियंस को ऑलरेडी मिल चुका है। तो ये कई फील्ड्स में दिया जाता है, जैसे कि गवर्नमेंट सर्विसेज में दिया जाता है, इमरजेंट लीडरशिप में दिया जाता है। तो पहले इमरजेंट लीडरशिप की बात कर लेती हूँ मैं। तो अभी रिसेंटली 2016 में लास्ट मिला है इमरजेंट लीडरशिप में ये, और वो एक इंडियन को ही मिला है, जिनका नाम है थोडूर मादाबुसी कृष्णा। तो ये याद कर लीजिए आप। और क्यों मिला है उन्हें? फॉर शोइंग दैट म्यूजिक कैन इंडीड बी अ ट्रांसफॉर्मेटिव फोर्स इन पर्सनल लाइफ्स एंड सोसाइटी। तो म्यूजिक का जो रोल है पर्सनल लाइफ में और सोसाइटी को इम्प्रूव करने में, उस पर एम्फेसाइज किया है इन्होंने, तो उसके लिए इनको दिया गया है ये। इसके अलावा 2015 में भी इंडियन को ही मिला था, संजीव चतुर्वेदी हैं, उन्हें मिला था। इसके अलावा नीलिमा मिश्रा, जो बहुत ही फेमस फिगर हैं, उन्हें मिल चुका है। अरविंद केजरीवाल, जो इस वक्त सीएम है दिल्ली के, उन्हें 2006 में मिल चुका है एमरजेंट लीडरशिप के अंडर। ये क्वेश्चन ऑलरेडी ACIO में पूछा जा चुका है। नीचे चार नाम दिए थे, उनमें से बताइए कि किसको ये अवार्ड जो है वो नहीं मिला है, लेकिन इससे रिलेटेड क्वेश्चन जो है वो ऑलरेडी ACIO में पूछा जा चुका है। उसके अलावा कम्युनिटी लीडरशिप में भी इंडियन को ही मिला है, 2016 में लास्ट अवार्ड हुआ है। तो बेजवादा विल्सन है, जो नेशनल कन्वीनर है सफाई कर्मचारी आंदोलन के, तो उनको मिला है, वो भी इंडियन है, कम्युनिटी लीडरशिप में मिला है उनको। तो ये तो इम्पोर्टेंट है ही है। इसके साथ मैं बता दूं कि ये काफ़ी सारे, इसका जो गवर्नमेंट सर्विसेज वाला अवार्ड है, तो एक तो अवार्ड है कम्युनिटी लीडरशिप में, एक अवार्ड है इमरजेंट लीडरशिप में, और तीसरा अवार्ड जो है वो गवर्नमेंट सर्विसेज में दिया जाता है। तो वो भी ऑलरेडी हमारे तीन बहुत ही फेमस इंडियंस को मिल चुका है। तो उनके नाम मैं आपको बता दूं, किरण बेदी को मिला है 1994 में गवर्नमेंट सर्विसेज के लिए, किरण बेदी 1994। TN सेशन जो है उनको मिला है, जो हमारे इलेक्शन कमिश्नर रह चुके हैं, और दूसरे एक और इलेक्शन कमिश्नर जो हैं लिंग दो, उनको भी मिला है ये गवर्नमेंट सर्विसेज के लिए रमन मैगसेसे अवार्ड। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। तो स्टूडेंट्स, ये थे सारे अवार्ड्स। इससे हम इस पार्ट के बाद हमारे सारे अवार्ड्स एंड ऑनर्स जो हैं वो ख़त्म हो जाते हैं ACIO के लिए। इससे बाहर शायद ही कुछ आए, और अब इससे आगे हम इस अपनी इस सीरीज़ को यूं ही कंटिन्यू रखेंगे, और आपका सारा GK जो है वो ACIO का कंप्लीट कर देंगे। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।